हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। ईसीजीसी पीओ का नोटिफिकेशन आपका आ चुका है, आपके फॉर्म्स भरने कल से स्टार्ट हो गए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप पिछला वीडियो एक बार देख सकते हैं कि मैंने आपको कहा था कि मार्च लास्ट तक आपका ईसीजीसी पीओ का नोटिफिकेशन आपका हर हाल में आ जाएगा और कहीं ना कहीं आपका मई में आपका एग्जाम जो है वो आपका कंडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी डेट शीट्स आ चुकी है, यहाँ पर एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा कि आपको किस तरीके से आपको आगे ईसीजीसी के पीओ का जो है वो आपको फॉर्म भरना है, आपको क्या गलती नहीं करनी है, क्योंकि आपके पास अभी टोटल 2 महीने भी बचे हुए हैं। इन 2 महीनों में आपको किस तरीके से सिलेबस आपको कवर करना है, क्या क्या एग्जाम पैटर्न रहता है, कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट है वो भर सकते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, अपेयरिंग कैंडिडेट भर सकते हैं या नहीं भर सकते, ये सारे जो आपके डाउट्स है वो यहाँ पर इस वीडियो में मैं एक एक करके क्लियर करूंगा। सो मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब करें। ऑलरेडी सैलरी स्लिप का मैंने वीडियो डाला हुआ है, तो आप एक बार राइट साइड में आई बटन में जाके वो वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका जो फॉर्म डेट है वो आपका 21 मार्च 2022 से 20 अप्रैल 2022 तक आप अप्लाई कर सकते हो। टोटल 1 महीने का आपको टाइम है अप्लाई करने का। अब यहां पे अगर हम बात करें जो आपके प्रीलिम्स के कॉल लेटर अगर आपके कब आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर प्रीलिम्स का जो एग्जाम है वो आपका 29 मई 2022 को आपका शेड्यूल्ड किया गया है और इसके जो एडमिट कार्ड है वो आपके फर्स्ट वीक मई 2022 में आपके यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, अब इसका जो रिजल्ट है वो कब डिक्लेयर किया जाएगा, 15 से 19 जून के बीच रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। इंटरव्यू आपका होगा जुलाई या अगस्त में। अब इस तरीके से अगर आप देखो, मार्च से आपका स्टार्ट ये कर रहे हैं और जुलाई अगस्त में ये इंटरव्यू करा रहे हैं, लगभग सितंबर में रिजल्ट आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि 6 महीने में ये पूरी तरीके से अपनी जो वैकेंसी कंप्लीट कर देंगे। तो अगर आपको ये है कि मुझे जल्दी जॉब चाहिए, मुझे कुछ भी करके जॉब चाहिए, तो आप ईसीजीसी पीओ के लिए फॉर्म जरूर भरिएगा, क्योंकि यहां पर ये वैकेंसी के जैसे ही कंप्लीट होती है उसके तुरंत बाद लगभग 2 से 3 महीने में आपकी ज्वाइनिंग जो है वो आपकी मिल जाती है। तो मे बी हो सकता है कि आप नवंबर या दिसंबर में आप फाइनली ईसीजीसी पीओ में एज ए ज्वाइन हो जाए। अब यहां पे ईसीजीसी पीओ जो है वो आपकी बैंकिंग सेक्टर की जॉब नहीं है, ठीक है, ये आपकी बैंकिंग सेक्टर से एक अलग जॉब है। अब यहां पे अगर हम बात करें वैकेंसी की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था 55 से 60 वैकेंसी आएंगी, लेकिन यहां पर आपकी टोटल 75 वैकेंसी आएंगी, जिसमें जनरल के लिए 34 है, ईडब्ल्यूएस 7 है, ओबीसी 13 है, एससी आपकी 11 है और एसटी आपकी टोटल 9 वैकेंसी जो है वो आपकी आई हुई है। ठीक है, अब यहां पे अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपका कुछ बेसिक चीजें ऐसी होती है, जैसे आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका क्या होनी चाहिए। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन मांगी गई है, कोई ऐसा परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अपीयरिंग कैंडिडेट जितने भी हैं, अगर आपकी मार्कशीट जो है वो आपकी 20 अप्रैल 2022 के पहले पहले अगर आपकी आ जाती है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी 20 अप्रैल 2022 से पहले नहीं आ पाती है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए, तो उनके लिए भी मैं बता दूं कि जितने भी कैंडिडेट जिनका जो सर्टिफिकेट है वो 20 अप्रैल के पहले का है, वही स्टूडेंट जो है वो इस फॉर्म को भरिएगा, क्योंकि फिर लास्ट टाइम डीवी में आपको बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो आपको आने लगती हैं। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करें एज क्राइटेरिया की, ठीक है, तो यहां पर आपकी 21 से 30 साल आपकी एज जो है वो आपकी है, और इस एज के बीच में बहुत जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, यहां पर आपको बाकी सारी कई ऐसी गाइडलाइंस मिल जाएंगी। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम की, तो ऑनलाइन एग्जाम यहाँ पर सिर्फ एक ही एग्जाम होता है रिटर्न, उसके बाद आपका इंटरव्यू जो है वो आपका कंडक्ट कराया जाता, नो मेंस नो अदर टेस्ट। तो यहां पर आपके लिए बेहतर मौका है ईसीजीसी पीओ की जॉब का। यहाँ पे अगर हम बात करें कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, तो टोटल 200 क्वेश्चंस आते हैं, 200 मार्क्स के, 140 मार्क्स का आपका टोटल ड्यूरेशन रहता है, 140 मिनट्स का आपका ड्यूरेशन रहता है, मतलब 2 घंटे 20 मिनट का। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि आपका किस किस टाइप के सब्जेक्ट आएंगे, कितने मार्क्स, रीजनिंग में आपके 50 आएंगे, इंग्लिश में आपके 40 आएंगे, कंप्यूटर में आपके 20 आएंगे, जनरल अवेयरनेस में आपके 40 आएंगे, क्वांट में आपके 50 आएंगे। ठीक है, 200 क्वेश्चंस आपके आएंगे 200 मार्क्स के, और ये जो क्वेश्चंस आपके आएंगे वो स्टेप बाय स्टेप आएंगे, पहले आपका रीजनिंग आएगा 40 मार्क्स का, फिर इंग्लिश आएगा 30 मार्क्स, कंप्यूटर आएगा 10 मार्क्स का, इस तरीके से आपके क्वेश्चन जो है वो आपके आएंगे। इसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है वो आपका उसी दिन कराया जाएगा, वो जिसमें आपका इंग्लिश राइटिंग और प्रिसाइज राइटिंग होगी, आपको 2 दिए जाएंगे, उनमें से एक आपको करना होगा, 20-20 मार्क्स का होगा, 40 मार्क्स जो 40 मिनट्स जो होंगे वो दोनों को मिला के आपको दिए जाएंगे, मतलब 20 मिनट्स जो है वो आपका इंग्लिश के लिए होगा, 20 मिनट प्रिसाइज के लिए, लेकिन ओवरऑल ये 40 मिनट जो है वो आपको कंबाइन करके दिए जाएंगे, ऐसा नहीं कि अलग अलग आपको करके दिए जा रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपका जो इंटरव्यू है वो आपका कंडक्ट कराया जाएगा, तो जितने भी स्टूडेंट जो आपके
रिटन और डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में पास किए जाएंगे, उसके बाद उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जो कि आपका जुलाई या अगस्त में शेड्यूल्ड किया जाएगा। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट जो ECGC PO का फॉर्म भरना चाहते हैं वो फटाफट से अभी लगभग 28 तारीख के बाद से आप भर दीजिएगा, क्योंकि वन वीक में कई सारे ऐसे डाउट्स होते हैं एग्जाम को लेकर, वो यहाँ पर आपके एक एक करके क्लियर कर दिए जाएंगे। सो मेक श्योर स्टूडेंट, आगे अगर कोई भी अपडेट आती है क्वेश्चन पेपर वगैरह की या कुछ भी ऐसा हो सकता है, वो इस चैनल पर आपको अवेलेबल कराता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन आपको यहां से मिलती रहेगी। ओके,